बॉलीवुड के ड्रामा क्वीन राखी सावंत किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिलहाल कुछ समय से वो अपनी शादी को लेकर चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई हैं। जब से राखी सावंत की शादी हुई है, जी हाँ, तभी से वह अपने पति रितेश को लेकर कोई ना कोई बयान देती हुई दिखाई देती हैं। जी हाँ, राखी ने बताया था कि उन्होंने मजबूरी में रितेश से शादी की थी। जी हाँ, साथ ही राखी का कहना है कि रितेश पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। वहीं एक बार फिर से राखी ने रितेश को लेकर अपने मन की बात शेयर की है। दरअसल हाल ही में राखी सावंत ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की। जी हाँ, राखी ने इस बातचीत में कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई अहम फैसले लिए हैं। अगर उनकी शादी सफल नहीं होती है तो वो दोबारा शादी नहीं करेंगी। जी हाँ, रितेश ने उनकी माँ और उन पर बहुत पैसा खर्च किया है और रितेश ने उनसे वादा भी किया है कि वह मुंबई में उन्हें एक फ्लैट लेकर गिफ्ट करेंगे। जी हाँ, राखी ने आगे बताया कि रितेश उनके साथ रहना चाहते हैं लेकिन इन हालातों में वह उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। जी हाँ, राखी आगे कहती हैं कि उन्हें ईशू पर पूरा विश्वास है और उन्होंने कोई झूठी शादी नहीं की। राखी कहती हैं कि वो रितेश को किसी और महिला के साथ नहीं बांट सकती। राखी बताती हैं कि रितेश से शादी करने से पहले वो जानती थी कि रितेश पहले से शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं। आपको बताते चले कि बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने रोते हुए बताया था कि रितेश पहले से शादीशुदा हैं और उनका बच्चा भी है, जिसे कहते हुए राखी फूट फूट कर रोई थी। शो में रितेश को लेकर राखी सावंत ने कई बड़े खुलासे भी किए थे। राखी ने कहा था कि करीबन 2 साल से रितेश से नहीं मिली है और अगर रितेश उनसे मिलने नहीं आए तो वो दोबारा शादी नहीं करेंगी। जी हाँ, तो इसको लेकर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ ससुरभि की रिपोर्ट।